Manu Malai, yeah.
ये लागिए ए मनुआ वाके जिन सुर साथ रचे
चरण
ముఖము Bagalagi, Bagalagi, Bagalagi.
संग न कीजिए मनुमा 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 दूर जनक दूर हटिए संग ना कीजिए मनु संग ना कीजिए मनुमा दुर्जन सो दूर हटिए संग संग ना कीजिए मनुमा संग ना कीजिए मनुमा संग ना कीजिए नटिए कहियो हमें नहीं आता भाई तुम दूसरे से पूछ लो नाम लीजिए नाही नाम कौन अपनी खोपड़ी खवा रहा नाम लीजिए नाम लीजिए नाम लीजिए नाम लीजिए Thank you.
से बात न दिए संग न दिए मन संग न दिए बाले 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 रघुवर राजा नैया ने चढ़ाऊं तो हे पग धोए बिना हे रघुवर
Oh,
राजन जात पात क्यों आप गंगा घाट के सेवक हो
क्या नाम आप भवसागर के केवट हो, हम गंगा घाट के केवट हो। कहता आज हमारी तुम्हारी जात लाकर उतराए। कहे जो मैं बनाता हूं अपनी मूर्खता का परिचय देगा, वो तो आ जाता। वो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, गुरुओं की कृपा, तो अपने ही आप आता है। कोई कहे जो मैं उसको फिट किया हूं, वो होगा ही नहीं। जब मैं करना चाहो तब होगा नहीं। उसको उसका एक उदाहरण दूं मैं, ये कह रहे थोड़ा सा नटनागरी का, ये नटनागरी का बड़ा ख्याल बना बना, छोटा ख्याल दूसरे ढंग का बना, मन माफिक नहीं है। तो ये छोटा ख्याल आया आया तो मगर अंतरा सिर पटक के मर गई। तीन वर्ष बाद एकाएक अपने आप किसी दिन आ गया। अब तो ऐसा आया ले पूछिए नहीं, ऐसा आया तो अभी गड़बड़ कर रहा है। इसको ठीक कर दीजिए। आ, 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 आ,
लौट के आए अपने पत्नी से भिक्षा लेने के लिए, कभी संन्यास पूरा होगा तो वो पत्नी कहती है काही Thank you.
छोटा क्या खिला रहे और ताकत नहीं पर बड़ा भरोसा रहता है जिसको कह ही देंगे निकल जाएगा कहीं देंगे
हमारी तुम्हारी लगन पिया जन्म जन्म नहीं छूटे कबो नहीं छूटे रहूं चरण की बांधी। बांधी शब्द किसको कहते? दासी को बांधी। तो बांधी के आगे जो सुख में तुकांत मिलाएंगे शब्द ही नहीं मिलता था, तो वो जो शब्द मिले उसका पूरा मिले तो उसके साथ जाकर तो तीन वर्ष के बाद जाकर के मिला मिला तन मन वारू किया राम रंग तोरे संग जीवन डोरे बांधी। बैठ गया जाके प्याल से सब ठीक आ गया और सब और सब लोग ठीक हो गए। वो तो हीरा जवाहरात उसके लिए है जो उसको पहचानता है, उसको मिल जाना चाहिए भाई के लिए। Yeah.
Ramashray Jha.
बदकानु भाई मुन बिन बदकानु भाई मबदानी रामा सारे समान बदकानु भाई मुन बिन बदकानु भाई मुन बिन बदकानु इसको हमने चंद मल्हार करके नाम दिया बड़ू कानू शाम के लिए आएंगे हैं अब शाम के शाम को रहना नारायण ठीक है
फोटो स्टेट करा ली बन जाता ये कहीं फोटो स्टेट होगा बात जो भी लिखना है फोटो स्टेट करा ली कहीं हिंदुस्तान का संगीत एक बहुत बड़ा खजाना है जो बहुत से अदारों में बहुत सी संस्थाओं में एक छुपा हुआ है महदूद कर रखा है जो कि आवाम के सामने नहीं आता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सत्यशील देशपांडे मेरे करीब करीब 26-27 साल पुराने दोस्त हैं। मैं उन्हें हमेशा एक छोटे भाई की नज़र से और एक गवैये की नज़र से पहचानता था कि भाई ये अच्छा ट्रेडिशनल घरानेदार म्यूजिशियन है, अच्छे गुरु का शिष्य है और खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत आवाज़ है। लेकिन मुझे जब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ये एक संवाद फाउंडेशन जो उन्होंने किया है या जो भी जहाँ से मदद मिली है, मगर वो हमें नहीं देखना है, लेकिन उन्होंने जो संगीत को इकट्ठा किया है, मैं कुछ बुजुर्गों की चीज़ों पर बहुत दिनों से तलाश में था। और आप तो जानते हैं कि संगीत हर शख्स देता नहीं है और जिन्हें तलाश है वो चाहते हैं कि हमें इज्जत से और आसानी से मिल जाए। तो अब जब हम खान साहब से अमीर खान साहब से सीखते थे और बुजुर्गों के साथ जब बजाते थे तो कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने हमको अंतरा बताया, कि पुराने लोग बहुत एक अलग किस्म के लोग होते थे। वो जो कुछ भी करवाते थे प्रैक्टिकल होता था कि भाई इतना तुम साध लो और उसके बाद फिर देखेंगे। तो मैंने देखा मेरे दादाजी का कि वो चीज़ बता दी तो राग का नाम ही नहीं बताया, और जब वो पूछा तो डांट दिया, कभी राग के नाम से दीजिए क्या मतलब, चीज़ बता रहे याद कर लो, अरे सुपर मेहनत करो। तो इसी तरह से
उस्तादों से ये पूछते हुए बहुत मुश्किल होता था कि साहब इसका अंतरा क्या जी, अभी आपने जो चीज गाई उसका अंतरा क्या। वो नाराज हो जाते थे और नाराज होने के बाद में हमें मालूम है कि हम सीखने में कितनी दूर उनसे एक हो जाते थे कि भाई दोबारा फिर हिम्मत कैसे होगी। तो अभी जैसे कि खान साहब का दरबारी का ये दरबारी कहने लगा, किन बैरन कान भरे किन खूबसूरत बंदिश है, मुझे इसका अंतरा नहीं मालूम था। लेकिन तलाश की मैंने कई लोगों से, ऐसे सरसरे दोस्तों ने पूछा कि इसका अंतरा क्या है। अरे खान साहब अमेर खान साहब तो बहुत कम गाते थे अंतरा, हमें भी याद नहीं है, ऐसे करके टाल देते थे। लेकिन मैं जब ये संवाद फाउंडेशन के अंदर मैंने इनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई चीज खुल लो आप, और अंतरा मेरे पास लिखा हुआ भी है, उसकी राइट कॉपी भी है और है। तो ये अंतरा मुझे यहाँ से मिला। तो अब मुझे ऐसी कई चीज़ें मुझे यहाँ से मिली कि अस्थाई याद है तो अंतरा नहीं है, या वो किस अंदाज से गाए हैं अंतरे को। अगर खाली बोल मिल जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका गायकी का अंदाज भी तो मिलना चाहिए। तो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ये अकेले ही ऐसे हैं, बहुत लोग होंगे, लेकिन उन्होंने सबने छुपा के रखा है कि जहाँ एक प्रोसीजर बन जाता है कि भाई हमें कहीं जाना है तो साहब वो अमीर खान साहब का टेप सुनाइए, या हमें बड़े गुलाम अली खान साहब का या ओमकार नाथ जी का, तो एक प्रोसीजर बन जाता है कि भाई वो ठीक है आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसमें हमारे पास टाइम होना चाहिए, स्टूडियो फ्री होना चाहिए, इंजीनियर मौजूद होना चाहिए, ये सब प्रोसीजर है। वो एक हमारे जैसे जो एक ख़ानदानी आर्टिस्ट हैं, एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, वो हम ये सब चीज़ें गवारा नहीं करते। हम चीज चाहते हैं भाई ये हमने पूछा और ये आप जवाब दीजिए। तो यही एक अदारा मुझे ऐसा मिला संवाद फाउंडेशन जो है हमारे सत्यशील देशपांडे। तो बाखुदा मुझे यहाँ से बहुत सी चीज़ें मिली और मैं तो गुजारिश करूँगा कि जितना इनके पास में है, वो हमारे जैसे कलाकार हैं, विद्यार्थी एक अलग वर्ग है, लेकिन एक म्यूजिशियन जो जिसको कहते हैं एक इस्टेब्लिश म्यूजिशियन, उन्हें चाहिए कि वो इस कसम से यहाँ से चीज़ें लें, अपनी विद्या को पूरी करें। अभी अंतरा देखिए मुझे यहाँ से मिला। थोड़ा सा मैं तारीख से पेश करके बताऊंगा आपको। Oh.
faced by U.S. Olympic Committee attorneys. The administrative board would not be assembled, and the games can't be postponed. It's not like a trial. Judge Patrick Gilroy conceded the case is extremely complex. I'm genuinely concerned.